क्या नहीं है? ओवर। जंगली जानवर। जंगली जानवर भालू है यहाँ। ना ना डर नहीं, मैं बिल्कुल डर। तो गुड मॉर्निंग गाइस, डे थ्री। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो चुकी है। सुबह पता नहीं इसमें कुछ एरर वगैरह आ गया था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया वीडियो। अभी मैंने फॉर्मेट वगैरह किया है। हम बहरहाल शाम को सो गए थे 7 बजे, खाना वाना खा के, चिकन वगैरह अपने बना के। अब हम आए हैं यहाँ, कोई पार्क है कनासर के, पता नहीं यही कनासर है, कनासर के आसपास ही है। यहाँ मंदिर भी है वहाँ पे। यह हमने फॉरेस्ट का शायद गेस्ट हाउस है, वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। यहाँ पे चल रहा है भाई चूल्हे की तैयारी, खाना खाने का समय हो गया। फिर से कुकिंग चालू। इस समय हम बना रहे हैं काली दाल की खिचड़ी। गाड़ी में ये वाला मैट लगवा के फायदा इतना हो रहा है ना, इस मैट पे कल हम बैठे भी हैं, इस मैट से हम चूल्हा भी जलाते हैं। बढ़िया मैट है। निक्की चमक रही है दोस्तों, आप देखना चाहोगे तो देख लेना जूम करके। तो भाई एक इंसान के दिमाग में आ गया तूफानी आइडिया। वो मैट अभी पीछे आपने देखी थी, 3-4 काम तो कर ही रही थी, अब ये चौथा काम ये वाला करेगी। चलो भाई बैठो। अरे बैठ गाइस, सबसे पहला स्टार्ट ट्राई करने वाला हूँ मैं। दे दे भाई धक्का। भाई वाह जी वाह, ये देखो सरप्राइज गिफ्ट रखा हुआ है किसी ने। ये सही फिसला है भाई। पीछे जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि मैट की विशेषताएं बहुत सारी हैं। ये सब भी कर सकते। चलो ओ ओ भाई बहुत सही है, तो बहुत दूर गया भाई, मजेदार बहुत। देख रहे हो गाइस आपके लिए क्या क्या करना पड़ता है। मस्ती करनी पड़ रही है मजबूरी में। बहुत मुश्किल है भाई यूट्यूबर की लाइफ, बहुत मुश्किल है। भाई वाह, 2 रुपए में फुल मजा। थोड़ी मस्ती, ये सबसे लंबी है। आप बोलिए कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो। कैमरा जाते नहीं करोगे? नहीं, अपने आप का एक्सपीरियंस अपने पास रखोगे? नहीं करोगे? कैमरा जाते ही क्या हुआ, पलट बोलने गए लगी। चुप हो गई। कैमरा जाते ही बोलने लगी। क्या कैमरा जाते ही बोलने लगी। आग ठीक से लग नहीं पा रही है तो यहाँ चल रहा है भाई जुगाड़। अब अंदर से सूखी है, ऐसा होना चाहिए कि अंदर वाले सीधे ही रखेंगे ना, ये नहीं जलेगी, पर अंदर से वो है सूखी तो ये बढ़िया है। ठीक है, और फाड़ ले बराबर। भाई पेपर सोप की चीज़ों में जंगल में खाद डाल दी भाई, यहाँ पेड़ों की कमी नहीं है, तुम्हारी खाद की जरूरत नहीं थी भैया। पेड़ की ना वो ग्रोथ कम थी। अच्छा, उधर एक पेड़ था। हाँ हाँ, मुझे उसकी लगा अच्छा नहीं लगा, तुम इतना कमजोर क्यों रह गया। और ये देखो हाथ कहाँ धुल रहा है, बढ़िया है। साफ पानी है, बर्फ का पानी है। सही बात है। यहाँ क्या हो रहा है भाई, हो गए टुकड़े, हो गए छोटे छोटे। अभी ये सोच रहे थे कि हमारे पास यार वो होना चाहिए था कुल्हाड़ी, लेकिन इन्हें देख के लग नहीं रहा इन्हें कुल्हाड़ी की जरूरत है। तो इन्हें बेचोगे क्या? ये देखो मैट का यूज़। भाई इस कंपनी वालों को हमें प्रमोशन के पैसे देने चाहिए। उठा भाई, उठा ले एक साइड पे। एक और यूज मैट का। ये मैट नहीं, लकड़ियां सीधे फेंकी भी जा सकती है गाइस। ये अगर मैट नहीं होती तो हम कैसे जिंदा रहते हैं यहाँ? आप भैया सिर्फ चूल्हा बनाते रहोगे या खिचड़ी भी दे दोगे? हैं, इतने ऊपर तो भीड़ बढ़ेगी, खिचड़ी बनेगी। क्या नहीं है? ओवर। जंगली जानवर।
जंगली जानवर भालू है यहाँ। तू आकर्षित करना चाह रहा है क्या जानवरों को? ओवर मिल जाए तो चिल्ला दूंगा। चिल्लाने का मौका नहीं मिलेगा, वो पीछे से आएगा, वो पीछे ही चला जाएगा। ठीक है ओवर। तो भैया अब एक और आइडिया आया है खुराफाती दिमाग में। 1 2 3 ओह माय गॉड, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बेस्ट बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये भाग रहा है भाई इसे पकड़ के। भैया कितने रुपए की राइड है? एक ये भैया है 5000 रुपए की। हमने स्लाइड शुरू। भैया चलो भैया के, भैया के, भैया के तो सांस फूल गई। ना ना गिरने दे। 2 3 बाजी बा बस भाई कहाँ ला जाएगा। बहुत सही भैया, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मजा आ गई, मस्ती आ गई, लाइफ बन गई। 3 तो सोच रहा हूँ अपना काम वाम छोड़ के टूरिज्म का काम शुरू करें क्या? ऐसी स्लाइड करवाने का। इधर इधर आगे रहो। चलो 1 2 3 गो। तो बताओ ना आप कमेंट्स में बताना कि हमें टूरिज्म की कोई वो खोलनी चाहिए दुकान। है सारे के सारे तैयार हैं, सभी ठीक ठाक काम कर रहे हैं। इट्स हार्ड बाकी सब तो ठीक है। मेरा एक सवाल है, इसके पास तो है भाई ट्रैकिंग वाले जूते, ठीक है? ये क्या निकल रहा है तुम्हारे जूते में से? ऊपर नहीं है गाइस क्योंकि बर्फ काफी थी कल, स्नो फॉल हो रहा था, मुझे गीले हो रहे थे काफी। तुम्हारे भी है? यो मैन अंदर है। ये देखो पन्नी भैया पन्नी। क्या बोलूं मैं इस बात पे? नो कमेंट्स नो बंदे मारेंगे अपनी जगह से। मैंने बिना पन्नी पर, अगर तुम लोग ट्रैकिंग शूज लाना भूल गए हो, मोजा पहनो उसके ऊपर पन्नी पहनो, जूता पहनो, मजे करो। यार सही है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक आइडिया है। बहुत ज्यादा कर लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स, अब समय है खाना खाने का। दिखाओ भाई क्या चल रहा है। थक गए भाई, बहुत ज्यादा भूख लगी, हमने थक गए। ये भुन रहे हैं आलू साइड में, यहाँ 3-4 कोयले रख दिए थे नीचे ताकि। तो भाई आलू की टेस्टिंग होने वाली है, देखते हैं क्या स्टेटस है। कैसा है? जबरदस्त हो गया। तो भाई खा लिया है खिचड़ी उचड़ी, अब थोड़ा अंधेरा मतलब अंधेरा तो नहीं लेकिन ठंड होने लगी है, तो ब्लैक आइस जमने का खतरा है, तो सोच रहे हैं निकल जाते हैं क्योंकि यहाँ से ऊपर का पूरा रास्ता चढ़ाई है। खाना खा लिया है? खाना वाना खा लिया है सबने, पेट भर गया है, मस्ती कर ली, स्लाइड कर ली, चलते हैं, मिलते हैं आपको प्रॉपर्टी पे। ऑल राइट तो गाइस आ गए थे वहाँ से, आधा एक घंटा हो गया, फ्रेश व्रेश हो रहे थे सब लोग, अभी अपना होटल की लोकेशन पे आ गए,
बहुत सारे टूरिस्ट आ गए थे, काफ़ी क्या बोलते हैं साइड वीकेंड है और बर्फ वर्फ पड़ी हुई है, चक्रा साइड तो है नहीं, तो इसलिए सारे एरिया आ गए थे। तो अब जा रहे हैं एक जगह और मिली हमें, वहाँ पर अभी भी स्नो है। अब देखो सामने, अब तो रास्ते में काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है बिल्कुल ही, कल तो बहुत ज़्यादा थी। अब उस वाली जगह जाके देख के आते हैं कुछ होगा तो। अगर बर्फ इतनी भुरभुरी है ना, चल जा रही है गाड़ी। फोन लगा ले यार, फोन की जरूरत ही तो क्यों लगाना, ये बता तुसी। डर लग रहा ना, डर बिल्कुल, टायर फिसल भी नहीं रहे। तो भाई आ गए हैं, स्नो ड्राइव तो आपने देख ही ली होगी। रास्ता बहुत पतला है यार, ये बहुत पतला रास्ता है लेकिन उतना ही खूबसूरत है। अब कहीं बर्फ नहीं बची, सिर्फ यहाँ पे, सिर्फ इसी जगह पे, वहीं ले आए अपनी गाड़ी। बर्फ हम छोड़ेंगे नहीं, बर्फ नहीं, जहाँ मिलेगी वहाँ पहुँचेंगे बिल्कुल। और फिर से तैयारी शुरू रात के खाने की, आपको पता ही है क्या हो रहा होगा। ये बन रहा है भाई गड्ढा चूल्हे के लिए, प्रिमिटिव गाय। अब बाकी बनाएंगे क्या वो ऐसा तो पक्का डिसाइड नहीं है, जब होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ बाकी लोकेशन। बाकी जब तक चूल्हा बन रहा है मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, चेकआउट करो यार बहुत खूबसूरत है। यही एक जगह बची है बस जहाँ बर्फ़ की सफ़ेद चादर है, और ये पहाड़ों की फॉर्मेशन बहुत अच्छी है यार, एकदम बड़े बड़े पत्थर खड़े हैं ये, बिल्कुल इस पर कुछ रेत वेत कुछ नहीं है, सिर्फ पत्थर है। वहाँ गुफा भी है एक ऊपर, अगर आपको दिख रही हो वीडियो में, तो ये बीच में छोटी सी वैली सी और ये दूसरा पत्थर। यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है, यहीं बनाएंगे सामान, यहीं खाएंगे, जो बनेगा जो खाया जाएगा वो मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। ये नगर नहीं भाई कहते गांठ है तो कॉलेज कटेगी, ये गांठ भी है इससे कुछ होने का वार सा शुरू होनी। तो भाई नया अपडेट ये है कि कुछ भी बनाने का प्लान हो गया कैंसिल, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले खिचड़ी खाई थी, सिर्फ आग जला रखी है, पानी गर्म कर लिया है और गाड़ी में गाने चला के कर रहे हैं एंजॉय। चक्का चक, ये देखो ज़्यादा मस्ती आ गई, गा रहा के बिल्कुल अकेले, कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ हमारे गानों की आवाज़ है। और पहले हम बनाने वाले थे खिचड़ी, अब हमने डिसाइड किया है हम बनाएंगे मैगी, उसकी चल रही है भाई तैयारी। राजम चावल, ये कट रही है प्याज, ये देख रहे हो टमाटर आप, और ये चक्कू तो वही है, वो है ही जो आपको पता थोड़ा सा हल्का मटर डाल देंगे। अरे मुझे दे, हम खाएंगे चाट में पहले, इधर को रख दे, अरे होने दे होने दे, देखा टमाटर कब डालेगा, टमाटर थोड़ी देर बाद। चलो भाई रख दिए मैगी, पानी प्याज और बटर डाल के कोयलों पे, आलू खानी तेरी होगी डाल थोड़ा सा, हमने रखी रखे थे कोयलों के साथ, अब आलू काटते हैं थोड़ा, आलू की स्नैक्स की तरह खा लेंगे इनको। बिल्कुल कोयला ही हो चुका है आलू भी, लेकिन बहुत बढ़िया लगते हैं गाइस, ये बहुत सही लगता है। अब डाल रहे हैं भाई टमाटर, बहुत बेहतरीन वो नहीं दिखा।
तो भाई मैगी हो गई है बनके तैयार। वाह परफेक्ट मैगी, परफेक्ट, ना ज्यादा पानी ना सूखी हुई। डालो भाई डालो। दो मिनट तो फिर भी तैयार नहीं हुई। दो मिनट में तो नहीं हुई, ठंड भी बहुत हो रही है यार, माइनस में टेम्परेचर। दो मिनट, इतने मिनट में तैयार होगी बहुत। मैं रख दे नीचे। ठीक है फिर भाई, खाते हैं अब हम खाना। व्लॉग में कर रहा हूँ एंड, खाना खा के उसके बाद मिलते हैं कल डे 4। ऑलराइट, गुड नाइट गाइस। Yeah.